अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि ऐसी मछली के बारे में जिसके दिखने से जलजला आता है ना, हैरान वाली बात। वैसे ये सच है या नहीं इस बात का तो कुछ पता नहीं, वैसे साइंटिस्ट तो कह रहे हैं ये झूठ है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ, ये है वाकया क्या है। कुछ डाइवर्स थे और वो जो है वो ताइवान के कोस्ट पर डाइविंग कर रहे थे, समंदर के अंदर डाइविंग कर रहे थे। तो उनको डाइविंग करते हुए एक मछली नज़र आई है। अब ये मछली थोड़ी सी अजीब है, ये मछली इंसान से ज़्यादा बड़ी है, एक इंसान के साइज से ज़्यादा बड़ी है, बिल्कुल सीधी है, इसकी आंखें बड़ी बड़ी हैं और इसके जिस्म में कुछ होल भी नज़र आए। अच्छा, डाइवर्स ने पहले इसको देखे, बड़े परेशान हैं, उन्होंने कहा पता नहीं ये क्या हो रहा है, ये मछली कहाँ से आई है और क्यों आई है और ये है कैसी मछली। तो उन्होंने इसकी वीडियो भी बनाई। अब इस मछली के आने से ये माना जाता है कि ये जब मछली जब भी दिखाई देती है तो एक बहुत ही ख़तरनाक जलजला आता है या सुनामी आता है। आप कहेंगे ये बात सच कैसे है और इस बात का क्या तुक बनता है ना कि बात है कैसे। तो ये तब है कि भाई 2011 में इसी तरह जो है वो एक अर्थक्वेक आया था और सुनामी आई थी, जिसमें जो है वो डजन्स यानी कि एक पूरी डजन्स 12 से 14 तकरीबन इस तरह की जो है ना क्रीचर्स, इस तरह के मछलियां जो है वो समंदर से बाहर आ गई थी। और उसके बाद जो है वो एक सुनामी भी आया था और अर्थक्वेक भी आया था। इसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे कि यार ये हो सकता है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें हमेशा जानवर जो है वो खास तौर पर मछलियाँ जो हैं उनको तो अर्थक्वेक का अंदाज़ा हो ही जाता है, जानवरों को भी हो जाता है, ये बात तो हमें पता है। तो अब जब ये मछलियाँ ऊपर आ रही, क्योंकि ये वैसे ऊपर आती नहीं है, ये रहती हैं पानी के डीप में, अंदर गहराई में। अब इस तरह की जब मछलियाँ ऊपर नज़र आती हैं तो फिर जो है इसका मतलब है कि कोई ना कोई वार्निंग होती है। वैसे साइंटिस्ट ने कहा है कि ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं होगा, डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपनी हम लोग कर ही सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा लगता भी नहीं है कि होगा। और बात रही इस मछली के जो जिस्म में जो बड़े बड़े होल हैं, तो ऐसा लगता है डाइवर्स को कि शायद शार्क ने इसके ऊपर अटैक किया जिसकी वजह से इसके जिस्म में होल है। और ये ऊपर भी इस वजह से आई क्योंकि ये जख्मी है। वैसे इसकी कोई नीचे बेसिक नहीं है, कोई ऐसा फैक्ट नहीं है, ये प्रूफ नहीं है कि इस मछली के दिखने से जलजला आएगा या आंधी आएगी या तूफान आएगा और इस तरह का या सुनामी आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन अभी तक के लिए इतना ही, देखते हैं, जलजला आता ही नहीं है तो वक्त ही बताएगा, मछली तो नहीं बता सकती। लेकिन हाँ, एक बात सच है, वो ये है कि इस तरह के क्रिएचर्स को हमेशा जलजले का पता लग ही जाता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि जलजला आएगा, मैं बस आपको एक बता रहा हूँ कि मोस्टली जानवर्स को जो छोटे छोटे कीड़े वगैरह होते हैं, मछलियों को इस चीज़ की अंदाज़ा हो जाता है नेचुरल इंसिडेंट का, उनके अंदर ये इंस्टिंक्ट होती है कि उनको अंदाज़ा हो जाता है इस बात का। तो आज के लिए इतना, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी एक और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।